नमस्कार। आज हम बात करें अगर सलमान खान की। सलमान खान की मूवी भी हमेशा कुछ बड़ा करने की क्षमता रखती है। जैसे हम 2015 से लेकर के 2022 तक की अगर बात करूं तो सलमान खान बिग बॉस कहलाए, यानी कि बॉलीवुड के बिग बॉस कहलाए, और इनके सामने किसी भी हीरो की आने की टक्कर भी नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात बन जाती है 2023 से इनका स्टेटस जो है पूरी तरह से जमीन चाटने लगा, और टाइगर 3 में हमें देखने को मिला, यानी कि पूरी तरह से मूवी फ्लॉप होती हुई नजर आई। फ्लॉप पूरी तरह से यानी कि नहीं, हम लेकिन फ्लॉप उसको कह सकते हैं। जो सलमान खान का स्टेटस है उस हिसाब से कमाई नहीं कर पाई, तो हमारे हिसाब से तो मूवी फ्लॉप ही है। माना कि कमाई तो कर लिया था, अपनी जो अमाउंट था उससे डबल अमाउंट कमा लिया था, 600 करोड़ के आसपास कमाया था, लेकिन भाई हम उसको कोई कमाई नहीं मानते, क्योंकि सलमान खान की हमेशा मूवी जो कमाती है बहुत ही ज्यादा कमाती है। लेकिन उसी चीज को देखने वाले सलमान खान भी चुप कहाँ बैठने वाले हैं। सलमान खान भी एक लंबी रेस की घोड़े की तरह एक लंबी छलांग मारने के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं, यानी बड़ी मूवी को साइन करने के लिए तैयार हो गए। दबंग 4 के लिए तैयार हो चुके हैं। दबंग के लिए तो लोग काफी ज्यादा, यानी कि 2019 में दबंग 3 आई थी तो 2019 में काफी अच्छे परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उम्मीद है, यानी इसमें जो मेकर्स रिवील कर रहे हैं, मेकर्स का कहना है कि हम 2019 में जो आई थी दबंग 3, तो उसी का हम रिलोड पार्ट करेंगे, क्योंकि उसको हम दोबारा मॉडिफाई करेंगे कुछ ऐसी ऐसी एक्शन रोल से, ऐसे ऐसे सीन से, हम उसी स्टोरी को दोबारा रिवील करेंगे। क्योंकि अगर उसी स्टोरी के करते हैं तो उम्मीद है यार इतनी अच्छी कमाई नहीं कर सकती है शायद दबंग 4, लेकिन उम्मीद है कर भी सकती हो शायद, क्योंकि दबंग के फैंस जो है काफी ज्यादा है। दबंग मूवी काफी अच्छा ऑडियंस के दिल में छाप भी छोड़ती है, ऑडियंस काफी ज्यादा दबंग के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं, इसलिए दबंग 4 मूवी से हम काफी ज्यादा उम्मीदें भी रखते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, दबंग जैसी मूवी बननी चाहिए कि नहीं, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।